हेलो दोस्तों, मैं कुमार और आप लोगों का इस क्लास में मोस्ट वेलकम है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टर्माइट्स के ऊपर, जो कि ये बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में लगभग हर बार पूछता है टर्माइट्स के ऊपर, तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो टर्माइट्स होती है, इसको वाइट आंट्स के नाम से भी जाना जाता है, साधारण भाषा में बोलते हैं इसको डीमक भी बोलते हैं गाँवों में, तो इसी पर चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, सिस्टमेटिक पोजीशन को देखना है, इंट्रोडक्शन, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और लाइफ साइकिल, डैमेज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स, यानी कि टर्माइट्स में इतने टॉपिक को हमें डिटेल में स्टडी करना है और एक इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाएंगे जो पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसमें सबसे पहले बात आती है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट को देख लेते हैं। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, सोशल का मतलब होता है सामाजिक, यानी कि जिस तरह से मानव में जो होता है उनके काम के आधार पर उनको डिवाइड किया गया रहता है। जैसे कंपनी में बात की जाए, किसी भी कंपनी में हो गया, उनके काम के आधार पर उनको डिवाइड किया गया रहता है। कोई मैनेजर होता है, कोई वर्कर होता है, तो सेम प्रोसेस इसमें भी होता है कि जो ये डीमक होती हैं, इनको भी, इनके भी अंदर जो होती है सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इसमें भी जो होती है, इनको उनके काम के आधार पर उनको डिवाइड किया गया कास्ट में। तो इसमें बेसिकली जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है रिप्रोडक्टिव कास्ट, एक होती है स्टेराइल कास्ट। तो जो रिप्रोडक्टिव कास्ट होती है, इनका बेसिकली इनका क्या काम होता है, रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। जो स्टेराइल कास्ट होता है, इनका कुछ अलग काम होता है। तो बात की जाए रिप्रोडक्टिव कास्ट में जो होती है, विंग्स एडल्ट होती हैं, क्वीन होता है, किंग होती है और कॉम्प्लीमेंट्री कास्ट होते हैं। और जबकि स्टेराइल कास्ट में वर्कर एंड सोल्जर होते हैं। तो इनका जो होती है स्पेसिफिक एक काम होता है कि ये इसी काम के लिए होते हैं। तो सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन की बात की जाए, तो ये जो होती है फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। क्लास जो होती है इनके इंसेक्टा है, ऑर्डर आइसोप्टेरा है, फैमिली टर्मेटिडेई है और इसका जो जीनस है माइक्रोटर्मिस और डिनोटर्मिस। सिस्टमेटिक पोजीशन हो गया। इंट्रोडक्शन की बात की जाए अगर टर्माइट्स में, तो 25,000 स्पीसीज फाउंड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड 337 स्पीसीज फाउंड इन इंडिया, यानी कि लगभग 2500 स्पीसीज जो होती है ये पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं, जिसमें से इंडिया में जो होती है 337 स्पीसीज पाई जाती है। और जबकि मेनली 35 स्पीसीज ऑफ टर्माइट्स दैट डैमेज द क्रॉप प्लांट्स, यानी कि जिसमें से केवल 35 स्पीसीज ऐसी होती है टर्माइट्स की जो प्लांट को डैमेज करती हैं। अब यहाँ पर बात आती है, टर्माइट्स आर सोशल इंसेक्ट द लिव इन लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। जो टर्माइट्स होती है सोशल इंसेक्ट होती है एंड ये रहती हैं जो होती है लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में, नोन एज कॉलोनी, जिसको बोलते हैं कॉलोनीज। दीज कॉलोनीज आर कंपोज ऑफ डिफरेंट कॉस्टेस, यानी कि जो कॉलोनी होते हैं उनका डिफरेंट कॉस्ट होती है और एंड ईच विद ए स्पेसिफिक रोल टू प्ले, यानी कि और उनका जो होता है स्पेसिफिक रोल होता है इन द कॉलोनी सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में जो होते हैं इनके अलग अलग काम होता है। दियर कॉलोनी है सिक्स कॉस्टेड लाइक्स, और इसमें एक पॉइंट और हो जाएगा, दी कॉलोनी है सिक्स कास्ट होती है, विंग्स एडल्ट, क्वीन, किंग, कॉम्प्लीमेंट्री कास्ट, वर्कर एंड सोल्जर। तो मेन फूड ऑफ टर्माइट्स कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज रिच मटेरियल, यानी कि इनका जो मेन फूड होता है, जो फेवरेट खाना होता है इनका, सेलुलोज लाइक मटेरियल होता है, यानी कि जो सेलुलोज से बनी होती है उनको ये ज़्यादा खाते हैं। जैसे बात की जाए वुड मैंगो हो गया, यानी कि आम का जो पेड़ होता है, शुगर केन हो गया, पोटैटो, इसी बहुत सी चीज़ें हैं, बुक भी हो गए, जो सेलुलोज की जितनी भी चीज़ें बनी होती हैं लगभग ये सब चीज़ों को खाती हैं। अब बात की जाए देयर आर फाउंड कॉमनली अंडरग्राउंड बट दियर अर्थन माउंड्स आर विजुअल अबाव द अर्थ सरफेस, यानी कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, अंडरग्राउंड वैसे पाए जाते हैं, कहीं कहीं पर अर्थ सरफेस पर भी होते हैं, जो कह सकते हैं अर्थन माउंड्स बोलते हैं उसको, टीला बना करके रहते हैं। तो इनका और पेड़ों पे भी कभी कभी दिख जाते हैं, पेड़ पे भी गिर जाते हैं जब कभी कभी कॉपुलेशन के समय। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो दी कॉलोनी टर्माइट्स इज कंसिस्ट ऑफ मेनली टू कास्टेस, यानी कि एक होती है रिप्रोडक्टिव कास्ट, एक होती है स्टेराइल कास्ट। तो रिप्रोडक्टिव कास्ट में जो होती है
पहला क्या होता है विंग्स एडल्ट, तो विंग्ड एडल्ट में जो होती है इसमें भी कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं, तो दे आर मेनली फाउंड इन रेनी सीजन, यानी कि जो बारिश का मौसम होता है तभी ये दिखते हैं। कह सकते हैं जो गाँव वाँव में जिसको बोलते हैं पाखी, जब ये बारिश सीजन में निकलती हैं, जब रोशनी होती है, कभी लाइट वाइट आ जाती है, तो जब बारिश होती है तो उसी समय निकलते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं ये विंग एडल्ट होती हैं टर्माइट्स की। तो इट हैज़ विंग्ड मेल एंड फीमेल बोथ गो ऑन नुप्टियल फ्लाइट, ये जो होती है नुप्टियल फ्लाइट करते हैं, यानी कि वो फ्लाइट जो कॉपुलेशन के लिए होती है उसको बोलते हैं नुप्टियल फ्लाइट। तो कॉपुलेशन टेक प्लेस इन स्काई, इनका जो होती है ये स्काई में ही कॉपुलेशन हो जाती है। आफ्टर कॉपुलेशन फीमेल फ्रॉम इन न्यू कॉलोनी, यानी कि जब वो मतलब कि हवा में जब इनकी कॉपुलेशन हो जाती है स्काई में, तो ये जहाँ पर गिरते हैं वहीं पे अपनी नई कॉलोनी बना लेते हैं, दोबारा उस कॉलोनी में लौट के नहीं जाते हैं जिस कॉलोनी में वो पहले रह रहे थे, तो इनका ये प्रोसेस होता है। और जो क्वीन होती है, तो क्वीन इज आइदर फॉर्म विंग्स एडल्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री कॉस्ट, यानी कि क्वीन बनती कैसे है, एक तो विंग्स एडल्ट यानी कि जो कॉपुलेशन में भाग ले रहते हैं, एक तो उसमें से होती है पंख टूट जाती है और वो क्वीन बन जाती है, और एक होता है कि अगर बाय द वे कभी क्वीन की डेथ हो जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉस्ट को स्पेशल डाइट दे करके उसको क्वीन बना दिया जाता है। तो द मेन फंक्शन ऑफ क्वीन इज एग लेइंग विच ले 70,000 to 80,000 इन 24 आवर्स, यानी कि ये जो क्वीन होती है इसका एक ही फंक्शन होता है मेनली, कि इसको एग लेआउट करना रहता है, और लगभग 70,000 से 80,000 तक ये लगभग हर 24 घंटे में, मतलब डेली इनका काम होता है 70,000 से 80,000 एग लेआउट करना। इसको भैया हम मशीन भी कह सकते हैं भैया, 70,000 से 80,000 जब 24 घंटे के अंदर अंदर ये क्वीन एग लेआउट कर रही है, खुद ही सोचो। तो द लाइफ स्पैन ऑफ क्वीन इज अबाउट 5 to 10 years, तो इसका जो जीवन काल होता है 5 से 10 साल तक होती है। तो द क्वीन लिव इन रॉयल चैम्बर एंड फीड ऑन रॉयल जेली, यानी कि जो क्वीन होती है इसको रहने के लिए एक स्पेशल रॉयल चैम्बर होता है, यानी कि बहुत से चैम्बर होते हैं लेकिन जो रानी जिसमें रहती है उसको बोलते हैं रॉयल चैम्बर। तो इनका एक स्पेसिफिक रॉयल चैम्बर होता है, इनका फूड भी स्पेशल होता है जिसको बोलते हैं रॉयल जेली। तो द क्वीन इज वेल सर्व्ड बाय वर्कर, और इस क्वीन की जो होती है वर्करों के द्वारा सेवा भी की जाती है। और किंग की बात की जाए तो किंग में कुछ पॉइंट देख लेते हैं, तो किंग इज फादर ऑफ कॉलोनी एंड लिविंग विद क्वीन, ये जो होता है कॉलोनी के फादर होता है, जब क्वीन आता है तो ये फादर होगा ही। तो किंग इज फादर ऑफ कॉलोनी एंड लिव विद क्वींस, इट डेवलप्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, जो किंग होती है ये अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं। इट फर्टिलाइज द क्वीन टू प्रोड्यूस एग, ये एक इसका काम क्या होता है, ये जो होती है क्वीन को फर्टिलाइज करती है जिससे जो क्वीन होती है वो एग प्रोड्यूस कर सके। लाइफ स्पेन शॉर्टर एंड रिप्लेस बाय न्यू किंग अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री कॉस्ट, यानी कि जो किंग होता है इसकी जो लाइफ स्पेन होती है बहुत शॉर्ट होती है, छोटी होती है, और इसको अगर नए किंग बनाना है तो किसको द्वारा बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कॉस्टेस के द्वारा, उसको स्पेशल डाइट देंगे और उसको जो है किंग बना दिया जाता है। अब ये स्पेशल डाइट देता कौन है, तो बेसिकली वर्कर का काम होता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री कॉस्ट की बात की जाए तो दी जो है बोथ सक्सेस एंड मे फंक्शन एज किंग क्वीन इन एमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी में जब किसी किंग और क्वीन की मौत हो जाए तो उसमें क्या होती है इमरजेंसी केस में उसको जो होती है स्पेशल डाइट दे करके बना दिया जाता है, जबकि इसमें जो होती है मेल फीमेल दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कॉस्टिस में। आफ्टर फीडिंग ऑन स्पेशल डाइट टू एक्टिवेट दियर रिप्रोडक्टिव फंक्शन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कॉलोनी, यानी कि जब कॉलोनी की ज़रूरत हो तो उसमें क्या होती है कि इसको स्पेशल डाइट दिया जाता है रिप्रोडक्शन फंक्शन, जिससे जो होती है इसकी रिप्रोडक्टिव फंक्शन एक्टिव हो जाए और ये क्या करे, ये क्वीन और किंग का रोल अदा कर सके। एंड दिस इज गवर्न्ड बाय वर्कर, और ये किसके द्वारा होता है, वर्कर्स के द्वारा होता है, यानी कि वर्कर ही फिक्स करते हैं भैया हाँ तुमको चलो राजा बनाया जाए। स्टेराइल कास्ट में क्या होती है, तो स्टेराइल कास्ट में दो ही होते हैं, एक तो वर्कर होता है एक सोल्जर होता है। तो वर्कर्स की बात की जाए तो द वर्कर्स आर डेवलप फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग, एक पॉइंट तो यही है कि भाई फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होता है। तो दे हैव वेल डेवलप्ड मैंडिबल्स
टू फीड ऑन वूडी सब्सटेंस। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसमें जो होती है इसका जो वो होता है मेंडिबल्स होती है, ये हायर डेवलप होती है यानी कि वेल डेवलप होती है और ये वूडी सब्सटेंस को खाने के लिए। तो द फीड ऑन दी वर्कर्स कंसिस्ट ऑफ वुड, शुगर केन, बुक्स एंड अदर सेलुलोज रिच मटेरियल। मतलब सेलुलोज रिच मटेरियल से जो होती है वर्कर्स इसी को खाते हैं। तो ऑल ड्यूटी ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड कॉलोनी एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन एंड डिफेंस एंड आर परफॉर्म बाई नोटेरियस वर्कर। नटखटी वर्कर के द्वारा पूरे काम किए जाते हैं, जितनी भी ड्यूटी रहती है पूरे कॉलोनी में केवल दो ही चीज़ों को छोड़ के, एक तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं और दूसरा डिफेंस में, क्योंकि डिफेंस के लिए भैया ऑलरेडी सोल्जर को बना के रखा हुआ है। तो द डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल काज बाई वर्कर, यानी कि अब तक जितने भी कहीं पर भी जो भी नुकसान होता है, जो भी कह सकते हैं कि कहीं पर भी अगर नुकसान करते हैं तो नुकसान कौन करता है, वर्कर ही करते हैं, क्योंकि सोल्जर का काम होता है डिफेंस करना, क्वीन का काम होता है एग लेआउट करना, किंग वहीं बैठा रहता है, किंग का कोई काम ही नहीं होता, बस क्या करते हैं क्वीन को फर्टिलाइज कर देते हैं। तो भैया वर्कर ही बचे तो यही नुकसान करते हैं। तो स्टेराइल कॉस्ट के बाद, अब स्टेराइल कॉस्ट में सोल्जर की बात की जाए तो दे आर डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, ये जो होती है अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होती हैं। दी हैव टू टाइप्स सोल्जर्स आर फाउंड, दो टाइप के सोल्जर होते हैं, एक तो होता है द मैंडिबुलेट टाइप सोल्जर, उसमें बहुत बड़ा बड़ा जा पाया जाएगा, हैविंग विल डेवलप जा टू फाइटिंग, इसमें बहुत बड़ा जा पाया जाता है, कह सकते विल डेवलप जा होती है और ये किसके काम आती है, फाइट करने के काम आती है। कोई भी अगर दूसरा कीटाणु आ जाए या कह सकते दूसरा कीड़ा आ जाए अगर उसके अंदर में, तो उससे फाइट करके उसको भगा देंगे। अदानास्यूट टाइप और सोल्जर्स जो होती हैं हैविंग मीडियन फ्रंटल रोस्ट्रम, उसके जो फ्रंटल रोस्ट्रम होती है उसमें से क्या करती है, स्प्रे स्मेल ऑफ ऑब्नॉक्सियस टाइप, बहुत बेकार स्मेल मतलब को स्प्रे करते हैं जिससे कोई भी कीटाणु होगा वैसे ही भग जाएगा। मतलब दो तरह से, एक तो फाइट करने वाला, एक भैया गैस छोड़ने वाला है, तो दो तरह के सोल्जर पाए जाते हैं टोमेट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहा वो सिस्टमेटिक पोजीशन को देखा, इंट्रोडक्शन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तीन टॉपिक को कवर कर लिए हैं और एक इम्पॉर्टेंट नोट्स पॉइंट वाइज बना लिए हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि इसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है, यानी कि इसके जन्म से लेकर पूरी मृत्यु तक की पूरी कहानी को देखेंगे कैसे कैसे होता है, और फिर आगे डैमेज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।